तो दोस्तों अगर आप झारखंड स्टेट में रहते हैं और झारखंड का पे प्रॉपर्टी टैक्स या होल्डिंग टैक्स जमा करना चाहते हैं ऑनलाइन तो कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको गूगल को ओपन करना है, ओपन करने के बाद गूगल सर्च में जाना है और देन उसके बाद सबसे पहले आपको वहां पे सर्च करना है झारखंड होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन पेमेंट, ये आप लिख के इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में ही दोस्तों आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा, तो ये आपको वेबसाइट मिल जाएगा झारखंड म्युनिसिपल के नाम से और इस ऑप्शन पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो झारखंड म्युनिसिपल का ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे में आप जाइएगा तो काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है प्रॉपर्टी होल्डिंग टैक्स, उसमें आपको पे प्रॉपर्टी टैक्स का ऑप्शन मिलेगा और उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो प्लीज सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है। देन उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, सदर ब्लॉक जो भी है, वो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्च पे जाना है। देन उसके बाद वार्ड नंबर आपसे पूछा जाएगा, आपको अपना जो भी वार्ड नंबर है उस वार्ड नंबर को फिलअप कर लेना है। मालूम नहीं है तो वोटर आईडी में या आपके पास जो भी रिसीप है होल्डिंग टैक्स का, उसमें आपको वार्ड नंबर शो हो जाएगा, उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। देन उसके बाद जो भी आपका होल्डिंग टैक्स नंबर है उस होल्डिंग टैक्स नंबर को आपको फिलअप करना है, देन सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे डिटेल दिखेगा, होल्डिंग नंबर और ओनर का नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप क्या करें, सबसे लास्ट में व्यू वाला ऑप्शन मिलेगा, व्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करें और जैसे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद पूरा डिटेल दोस्तों यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पूरा देखने को मिलेगा, फ्लोर नंबर से लेकर टैक्स डिटेल टोटल चीज आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। पुराना जो भी आपका यहाँ पे पेमेंट है वो टोटल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे वाले ऑप्शन में जाना है। आपको यहाँ पे और भी जानकारी पढ़ना है तो वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो जब नीचे में जाइएगा तो आपको व्यू प्रॉपर्टी डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, पे प्रॉपर्टी टैक्स का ऑप्शन मिलेगा और व्यू पेमेंट डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। तो पे प्रॉपर्टी टैक्स पे क्लिक करना है और पुराना अगर निकालना है तो व्यू पेमेंट डिटेल पे आप क्लिक करके पुराना रिसीप निकाल सकते हैं। तो पे प्रॉपर्टी टैक्स पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और कितना पेमेंट आपको करना, कितना ड्यू है वो सबसे नीचे में यहाँ पे शो होगा। आपको क्या करना है, पे प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन वाला ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक करना है। उससे पहले आपका जो भी टर्म कंडीशन है उसको सिलेक्ट करना है और पे प्रॉपर्टी टैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड देखने मिलेगा जिसमें तीन ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, डेबिट क्रेडिट कार्ड है और एनएफटी है। नेट बैंकिंग यूज करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं अपना डिटेल भरे और एनएफटी आरटीजीएस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ई चालान जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड यूज करूंगा, तो आपको अपना कार्ड नंबर, उसका एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर और साथ में कार्ड होल्डर नंबर को फिलअप कर लेना। मैं पूरा फिलअप कर लेता हूं, देन उसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिलअप करना है, देन कंफर्म ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है और ये करने के बाद आपका यहाँ पे पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये रिसीप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इस रिसीप को दोस्तों आप यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हैं, डाउनलोड करना है तो वो प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।